अम्मी आप यहाँ? सरप्राइज। ये दुखद समाचार हमें उन्हें देना होगा, उन्हें बताना होगा कि हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं रही। यही है वो जगह जहाँ स्वाति के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी और उसके बाद उसका फोन बंद था और अब तक बंद ही है। क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है? अरे नहीं नहीं, एक नंबर टकाटक तो बोल। नहीं झूठ, आपकी शक्ल में दिख रहा कि कोई प्रॉब्लम है और कोई टेंशन चल रही, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम यहाँ ड्यूटी पर है और जब ड्यूटी पर आते हैं ना तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब ड्यूटी पर आते हैं तो ड्यूटी के बारे में ही सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम दूसरों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। एक सेकंड, लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? आप तो असली पुलिस वाले हो भी नहीं। असली पुलिस वाली तो मैं हूँ, तो मैं ही सोचती हूँ। आप कंटिन्यू करो, आप टेंशन में ही रहो। क्या बात है सफेदी की चमकार, क्या मस्त स्पीच दे दी रे तू भी। पर बात तो तू एकदम बरोबर बोल रही है, काम के टाइम पे खाली काम करने का मतलब, माना कि मैं नकली पुलिस वाली है पर ये वर्दी तो असली है ना, तो उसका रिस्पेक्ट तो होना ही मांगता है। तो एकदम बराबर बोल रही है, अभी मैं अपना पर्सनल राडा एकदम ऐसे साइड में रख के खाली ये सोचेगी कि वो क्या नाम है वो फटाकड़ी का स्वाति, उसको कैसे ढूंढने का। नहीं आप रहने दो, मैं सोचती हूँ। हाँ हाँ तू ऐसा ही सोच कि तू सोच रही है, सोच मैं रही है, पर मैं जो सोचेगी ना तेरे को लगेगा कि तूने सोचा है। तू इस तरीके से सोचेगी तो तेरे को लगेगा कि जो सोचा है वो तूने सोचा है। अरे पर जब मैं सोच रही हूँ तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं सोच रही हूँ, और जब मैं सोच रही हूँ तो आपको सोचने की क्या जरूरत है और ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं सोचूं कि मैं सोच रही हूँ? अच्छा ठीक है माँ मेरी, भड़क मत, तू ही सोच। पर मैंने सोचा नहीं था कभी कि तू सोचेगी। मैंने कुछ सोचा है? फिर से वही मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, आप मत सोचो। हाँ हाँ हाँ, पन अभी सोच लिया है तो सुन के तो ले। हाँ। अपन ना अपन फोन लगाते हैं। कैसे? लड़की का फोन बंद है। अपन लड़के को फोन लगाएंगे। ना लड़की को है। हाँ अपन लड़के को आइडिया होएगा ना कि लड़की किधर मिल सकती है, इसके लिए लड़के को फोन लगाएंगे ताकि वो बताएगा अपने को कि लड़की किधर हो सकती है। ला ला नंबर दे। हेलो स्वाति, कहाँ हो तुम? और ये किसका नंबर है? आर यू ओके? तुम हो कहाँ? बोल कहाँ से रही हो तुम? रिलैक्स रिलैक्स, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। मैडम आपको स्वाति मिली? नहीं नहीं नहीं, हमें मिली नहीं, हम भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। ऐसी कोई जगह को आप जानते हैं जहाँ पर वो ऐसे हालात में जा सकती है, जब वो स्ट्रेस में होती है तो जाती है? किसी जगह का जिक्र किया है उसने कभी आपसे? मैडम ऐसी कोई जगह के बारे में हमारे अभी कोई डिस्कशन हुई नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, जितने हम सवाल करते जाते हैं उतना बताइए। ठीक है, आप सबसे पहले कहाँ मिले थे? दोस्त की शादी में। ओके, प्रपोज कब किया था और कहाँ किया था? पहली बार प्रपोज रेडियो पे। रेडियो पर? अरे आई एम सच अ फूल मैडम। मैडम 99.9 FM पे ना एक प्रोग्राम आता है, हाले दिल। हाँ मैडम, मेरा और स्वाति का ये फेवरेट शो है। मेरा भी। इस प्रोग्राम का सेगमेंट ऐसा है ना मैडम कि यहाँ पे दो प्यार करने वाले एक दूसरे को सिचुएशनल गाना डेडिकेट करते हैं। तो मैंने सोचा स्वाति को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रपोज करने का ये पहला मौका, तो मैंने स्वाति के लिए ना एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, मुझसे शादी करोगी। अब बदले में स्वाति ने मुझे दूसरा गाना डेडिकेट किया था, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे हैं सनम। तो शो का टाइमिंग तो अभी का है ना? शो का टाइमिंग अभी है, इसी वक्त कभी भी शुरू हो सकता है। हाँ तो इस वक्त मैडम हम क्या कर सकते हैं ना, स्वाति अगर ये शो सुन रही होगी तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं और उस तक हमारे मैसेज पहुंचा सकते हैं। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैडम प्लीज जल्दी कनेक्ट करवाइए। अरे तू कैसे सोचा कह रहे, अपनी सफेदी की चमकार ने सोचा था? सोचा मैंने था, पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसने सोचा था। ठीक है चल बाय। घुमा घुमा रेडियो 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 रेडियो। अरे यहाँ पर क्या कर रहा है तू? ऐसे आ गए थे घूमने हम। दोस्त की दुकान है, आ सकते हैं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब जाने दो दोस्त को। जाओ जाओ दोस्त, जाओ। पुलिस वाला दोस्त है। क्यों आया था? तो एक बार वो सब छोड़, बहुत जोर से भूख लगी है। बिरयानी कहाँ है, खाई तो नहीं तूने? क्या पाजी कैसी बात कर रहे हो, हम गद्दार थोड़ी है, एकदम छिपा के रखा है वहीं पे जहाँ हमेशा रखते हैं। पक्का? एकदम पक्का। फिर बता। देखो देखो देखो, चुप रहो, इधर देखो। पाजी इधर उधर ध्यान से देखो, कोई देख नहीं रहा है ना? खुर खुर खुर, ये पे पूरा खा जाओ। कहा है बिरयानी? वो बिरयानी बता दे, वरना चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। नहीं बिरयानी तो हम इसी में रखे थे, कहाँ गई?
शर्त ये होगी कि फिर मेरे पार्टनर को नॉन वेज खाना होगा। प्रेम देवता, प्यार में कैसा कठिन परीक्षा ले रहे हो, मुर्गा का बिरयानी। सांतू जी, आपके लिए सांतू जी। ये चीता निठल्ला किधर है? ए चीते निठल्ली, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या 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 तुम यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ कहीं नहीं है तुम। अरे ये मेरा बिल्लू निवास है, तू मेरे बिल्लू निवास में क्या कर रहा है? महिला पुलिस थाना का पार्ट, हम नहीं आ सकते का? जी आ सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेहजनक लग रही है तुम्हारी हरकत। वो छोड़ो, करिश्मा मैडम ने तुम्हें बुलाया है। अरे बिना बाल वाला भालू कैसा बतियाता है, तुम भी बात सीधा सीधा नहीं बोल सकता था तुम? तब से बात घुमा रहा इधर उधर, क्यों? क्यों मतलब जरूरी काम है। जरूर यार, तुम्हारे हाथ में का मेहंदी लगा था, तुम काहे नहीं कर दिया? देखो जो काम करिश्मा मैडम तुम्हें दे रही है ना, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। ऐसा कौन सा काम है रे? देखो कोई मरा है क्या? नहीं कुछ भी नहीं। बेटा स्वाति का कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, उसने फोन स्विच ऑफ करके रखा है। मेरा भी फोन नहीं लग रहा है, एक घंटा बचा है सिर्फ। आपने उसके दोस्तों को फोन किया? हाँ, मैंने हर किसी को पूछा, किसी को पता नहीं। अरे कुछ खा लो दीदी, कब तक ऐसे घूमती रहोगी? तुम्हें से कुछ खाया पिया नहीं है। चेहर खा लो। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? माँ ये क्या जिद लगा के बैठी हो तुम? तुम्हें अपने बेटे की खुशी के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है? तो फिर खाना खा लो ना। तू घर चल, मैं खाना खा लूंगी। जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। ओ गॉड। अरे माता जी, काहे आप इतनी हटी हैं? काहे खाना नहीं खा रहे? भूख से काहे हड़ताल करके बैठी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपके लिए बहुत बढ़िया वाला केक मंगवाया हमने, अभी बस आते ही होगा हमारा चीता। ये देखिए चीते, हमारा इंतजार था कब से। चीता हमारा बहुत शुद्ध शाकाहारी जीव है और वो एकदम शाकाहारी केक लेकर आया है, खाइए। नहीं खाना। काटो। और काटो, और पीसेस काटो। कितना काटोगे? नहीं नहीं, केक एक है ना माता जी, और लोग इतने सारे हैं। कितने? केक काटना पड़ेगा ताकि सब में बटे और सबका पेट भरे, समझिए आप। अरे बंद करो, इतने छोटे छोटे टुकड़े से किसी का क्या भला होगा? वही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर सब मांसाहारी बन जाएंगे ना माता जी, तो इंसान के अलावा कोई प्रजाति नहीं बचेगा इस पूरी दुनिया में, आप समझिए हमारी बात को। और अगर सब शाकाहारी बन जाएंगे तो आप इतना अनाज कहाँ से लाएंगे सबका भूख मिटाने के लिए? इसीलिए जो है प्रकृति का एक संतुलन बना है, मांसाहारी शाकाहारी सब संतुलन में रहते हैं। अब समझिए हमारी बात को, हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं? इतना जोर से मत फूको, कहीं और से बच सकता है। मैडम ये रहा आपका दूसरा केक जो आपने मंगवाया था, एकदम प्योर अंडे का केक। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है। जिसको अंडे वाला केक खाना है वो अंडे वाला केक। जी जी। जिसको बिना अंडे वाला केक खाना है वो बिना अंडे वाला केक खाएगा। इससे चीते क्या संतुलन बन जाएगा? तुम चाहे जो भी कर लो, हमारी नजरों में जो पाप है वो पाप ही रहेगा। इसलिए ये तमाशा बंद करो, हम नहीं समझेंगे। मर जाएंगे पर अपने बेटे की शादी उस घर में नहीं करेंगे जिसमें मांस मच्छी। अरे दीदी तुम क्यों खड़ी हो? सुबह से ऐसी बेचारी भूखी प्यासी मेरी बहन घूम रही है। इतना समझाया, हमको लगा कुछ तो भेजे में घुसा हो। भाई डाक के तीन पांच सब बेकार। हमको तो इस बात का फिक्र लग रहा है, उधर उर्मिला जी और हमारी संतु जी स्वाति का पता करने गए, पता नहीं उन लोगों को पता चला हो कि नहीं कुछ स्वाति के बारे में। वो वेज खा लूं? भगो यहां से, दिमाग का दर्द है। क्या बर्थडे है? हेलो हेलो जी, तो हम है SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। जी कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो क्या है ना कि मेरे को एक अजीब सा, हम एक अजीब सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम दरअसल ऑन एयर जाना चाहते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन एयर मैम, हमारा मोस्ट पॉपुलर शो हाले दिल चल रहा है, मैं उसे बीच में नहीं रोक सकता, आपको थोड़ा वेट करना होगा। देखिए दरअसल हम भी बहुत जरूरी बात ही कहना चाहते हैं और हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, बस 5-7 मिनट प्लीज। हाले दिल हमारा सबसे पॉपुलर शो है, हम उसकी ऑडियंस को लूज नहीं कर सकते। और वैसे भी ये शो है प्यार के बारे में, रोमांस के बारे में और अपने लव पार्टनर तक अपने दिल की बात पहुंचाने के बारे में, और आप कह रहे हैं मैं इसे बीच में। देखिए हम भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, हम एक प्रेमी का पैगाम दूसरे प्रेमी तक पहुंचाना चाहते हैं, और अगर ये अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैम शो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है, आधे से ज्यादा प्रोग्राम हो भी चुका है। पछताएंगे आप।
आपने हमें अलाउ नहीं किया तो आपकी वजह से तो प्यार करने वाले नहीं मिल पाएंगे, आपको चलेगा। लेकिन टीआरपी, टीआरपी गारंटी बढ़ेगी। हाँ हाँ, टीआरपी डेफिनेटली गारंटी बढ़ेगी और आप दो प्यार करने वालों को मिलाने जैसा अच्छा काम भी कर पाएंगे। सो प्लीज जल्दी, इट्स रिक्वेस्ट। आइए। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम। हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। चलते शो में अचानक हमारी आवाज सुनकर आई एम श्योर आप सब भी चौंक गए होंगे कि एक प्यार भरे शो में एक पुलिस वाली का क्या काम। लेकिन सच बात तो यह है कि आज हम एक पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की तरह आपसे बात करने आए हैं। हमने सोचा कि ऐसे प्यार मोहब्बत भरे शो में क्यों ना हम भी एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी प्यार भरी लव स्टोरी आपको सुनाएं। तो तैयार हैं आप सब, शुरू करें। ए, ठीक करो, ठीक करो, ठीक। संतोष जी का है। तो कहानी शुरू होती है एक जाइंट व्हील से, वो होता है ना बड़ा वाला झूला, आपने मेले में देखा होगा, आप खुद उस पर शायद बैठे भी होंगे। हमारे दो प्रेमियों की मुलाकात उसी जाइंट व्हील में हुई। इनफैक्ट वो इत्तफाकन सेम सीट पर भी आकर बैठे, बात हुई, बात फिर कब मुलाकात में बदली और मुलाकात कब एहसास में बदल गया पता ही नहीं चला। लव हमारा ऐसा था एकदम धुआंधार। मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को लग रहा है तो खाली फेंक रही है। अच्छा एक काम कर, शुरुआत से बता, इश्क कैसा हुआ, शादी कैसा हुआ, क्या राड़ा भीड़ा हुआ उसकी, सब बता तो मैं मानी। हम सबसे पहली बार मिले थे वो झूला पे। क्या बात कर रही है फिर? नहीं, हमारी प्रेम कहानी सुना रही है पे? क्या? आपकी? हाँ। आपकी प्रेम कहानी? क्या हमारी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो झूले के बाद दोनों अलग अलग पास ही के एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। लड़के ने ऑर्डर किया पनीर टिक्का और लड़की ने ऑर्डर किया चिकन टिक्का। अब गलती ये हो गई कि वेटर ने गलती से लड़के को दे दिया चिकन टिक्का और लड़की को दे दिया पनीर टिक्का। लड़का भड़क गया, गुस्सा हो गया, मैं बोलने लगा कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरे सामने चिकन रख हुए कैसे सकते हो। तब लड़का और लड़की को पता चला कि गलती से उनका ऑर्डर एक्सचेंज हो गया। और उस दिन जब पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि उस दिन सिर्फ उनके ऑर्डर एक्सचेंज नहीं हुए थे, उनके दिल भी एक्सचेंज हो गए थे। कितनी अजीब बात है ना, ये दोनों बिल्कुल अलग थे चिकन और पनीर की तरह, पर फिर भी उन्हें इस बात का एहसास था कि वो एक हैं, एक दूसरे के लिए हैं। उन्होंने उस दिन प्लेट तो शेयर नहीं की लेकिन हाँ जिंदगी शेयर करने का फैसला जरूर ले लिया। और आज भी अब तक वो इस फैसले को पूरी शिद्दत और पूरी मोहब्बत के साथ निभा रहे हैं। प्लेट आज भी अलग अलग है, खाते अलग ही हैं, लेकिन दिल अब भी एक है, जिंदगी अब भी एक है। मोहब्बत वही, एहसास वही, साथ वही। कैसी लगी आपको ये? कैसी लगी हमारी ये प्यारी सी, नाजुक सी, दिल को छू लेने वाली कहानी? और ये कहानी सिर्फ इन दो प्रेमी प्रेमियों की नहीं है, ये छोटे बड़े शहर में रहने वाले किसी भी लड़के और लड़के की हो सकती है। लेकिन दुख बस इस बात का है कि हर किसी की प्रेम कहानी का अंत इतना खूबसूरत नहीं होता। बहुत बार चिकन और पनीर एक दूसरे से मिल नहीं पाते और ये प्रेम कहानी उस रेस्टोरेंट में ही दम तोड़ देती है। और फिर जिंदगी भर इस अफसोस के साथ रहना पड़ता है कि काश काश उस दिन पनीर और चिकन मिल गए होते तो आज जिंदगी की तस्वीर कुछ और होती। मर जा। अगर अभी इस वक्त ऐसा कोई शख्स जो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहता है हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहा है तो हम बस आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की सुनिए, हम हैं यहाँ, हम मिलवाएंगे आपको आपके प्यार से और वो भी घर वालों की रजामंदी और आशीर्वाद के साथ। हम पर भरोसा रखिए और खुद को एक मौका दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। हमारी बेटी मिली? कहाँ है स्वाती? नहीं मिली ना लड़की। चलो अच्छा हुआ, हाय लड़की समझदार निकली, खुद ही फैसला कर लिया, अब उसके लिए यहाँ कुछ नहीं रहा। और ये शादी तो बिल्कुल नहीं, बेटा थोड़ी सी समझदारी तू भी दिखा, चल मेरे साथ। हाँ
तो मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है कि स्वाति मेरी जिंदगी में वापस आएगी। माँ शायद आप बिल्कुल सही कह रही, मुझे लगता है मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं। चल बेटा चल, आ जा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा पति समीर, स्वीटू समीर, बहुत हुआ तेरा पालट, कहा ना ये शादी नहीं होगी। माँ, मैं ये शादी करूंगा। कह दिया तो सो कह दिया, उनती का फैसला पत्थर की लकीर। छोड़ो माँ, स्वाति। एक मिनट, कहाँ लेके जा रही है? हमने वादा किया था इनकी शादी कराएंगे ना, तो वादा निभाएंगे, समझे? ये शादी नहीं होगी। शादी तो हम करवा के ही रहेंगे, चलो। मैंने रेडियो पे आपकी बात सुनी, आपने कहा था कि मैं आपकी बात का भरोसा करूं। सबकी मर्जी से, सबकी खुशी से और सबके आशीर्वाद के साथ होगी हमारी शादी। आपकी इसी बात पे भरोसा करके मैं यहाँ आई थी ना। मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब तो ये शादी नहीं हो सकती, मैं चलता हूं। मेरे जीवन में शादी करने का पहला चांस भी मेरे हाथ में नहीं है। मैंने आप पर भरोसा किया था, शायद मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं यहाँ पे और तमाशा नहीं कर सकती। मम्मी पापा चलिए यहाँ से। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तुमने कोई गलती नहीं की, ना हम पर भरोसा करके ना यहाँ पर आके। क्या कहा था हमने कि हम यहाँ पर तुम्हारी शादी करवाएंगे सबके आशीर्वाद के साथ? तो वही होगा, तुम्हारी शादी भी होगी, सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, सबकी रजामंदी भी मिलेगी और दूल्हे की माँ खुद दूल्हे को सेहरा भी पहनाएगी। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। हमारा इरादा अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। तुम्हारे इस दरोगा ने हर कोशिश करके देख ली, हमारा इरादा नहीं बदल पाई। तुम क्या कर लोगी? कसम खाई थी ना इसने, बेदी बुदने से पहले दोनों की शादी करवा दूंगी। इनकी जबान तो इसी हवन कुंड में सुहा हो गई, अब तुम कौन सा नया तीर मारोगी? ए सुन मातारी, पार्टनर ने जबान दी है ना, तो जबान पूरी होकर रहेगी, ये शादी होकर रहेगी, वो भी इस अग्नि की ताप ठंडे होने से पहले। अब खुद अपने बेटे का हाथ इस लड़की के हाथ में देंगी, ये हमारा आपसे वादा है। जब माँ है भाई, मतलब जहर खा लेंगी लेकिन पर जीत नहीं छोड़ेंगी। वो ऐसी ही है, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। टेंशन क्यों लेने का जब साथ है बिलू द स्पाई। बस तुम्हारे कमी था, तुम्हारी माँ जहर नहीं पिएगी। क्योंकि उनकी जहर की शीशी मेरे पास है। यार ये टकले का हुए एक नंबर काम किया। माँ की बहू, मुझे वीक चाहिए अभी के अभी। अब तो शादी कर लो प्लीज। अरे लेकिन शादी के बाद भी वो मुझे अपने घर की बहू नहीं मानेंगी। रहूंगी तो मैं उनके लिए एक नॉन वेजिटेरियन ही ना, जिसे वो हमेशा नफरत करती रहेंगी। मैडम एक तो हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है कि आप इनसे इतना प्यार करती हैं, शादी भी इन्हीं से करना चाहती हैं, तो नॉन वेज काहे नहीं छोड़ देती हैं आप? हाँ। फिर भी वो नहीं मानेंगी। मानेंगी, वो मानेंगी भी और ये शादी भी होगी। तुम हजार बार सुबह से एक ही बात बोल चुकी हो, मानेंगी शादी होगी। हाँ लेकिन अब मैं करके दिखाएगी, चटक करके दिखाएगी। कैसे करके दिखाओगी? एक्सक्यूज मी, वन डाउट रेज हियर। इसकी माँ घर जाकर इन्होंने जहर पी लिया तो? नहीं पियेंगी। ले तुम्हारा पिलान तो फेल हो गया, लेकिन गजब दिमाग दौड़ाया तुम, गजब। कैसे नहीं पियेंगी?
क्योंकि मेरे पास एक रामपट आइडिया है। क्या है? बहुत अच्छा आइडिया है, आप कृपया आगे आए तो हम बताएं। हाँ। तो सब तैयार? यस यस मैडम सर। चिकन संतु जी, हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि मानिए कल को कोई लड़की पसंद आ गई जिसको नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद हो, उसको कंपनी देने के लिए तैयारी तो करना पड़ेगा ना, प्यार तो त्याग मांगता है ना, तो देख ही रही है सामने कितना बड़ा बवाला खड़ा हुआ है, तो इसीलिए खाकर हम। चीते, मैंने तुझसे क्या कहा था, प्यार में किसी को ऐसे बदला नहीं जाता, जो जैसा होता है उससे वैसे ही प्यार किया जाता है। तू बहुत अच्छा लड़का है चीते, तू लाखों में एक है। तुझे पता है कितनी लकी होगी वो लड़की जो तुझसे शादी करेगी, जो तेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। चल स्माइल कर अभी। हाँ? स्माइल कर। जा करिश्मा मैडम बुला रही है। वो कहाँ बुला रही है? फेरों के लिए। प्रेम दे। सर तू इतना जल्दी, आप हाँ कह दी, हमको भी नहीं बताई फिर। फेरे लेने के लिए नहीं, फेरे कराने के लिए। पंडित जी भाग गए, तुझे पता तो है। और तू पंडित है ना, तुझे वो थोड़े बहुत मंत्र वंत्र पता है। के लिए पकड़, जा फेरे करा फटाफट, हम आते हैं। जा 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 जा। धोखा। टाइम नहीं है। चलिए चलिए चलिए। शादी की रस्म शुरू करते हैं। चलिए। हाँ एक मिनट। आप दोनों को तो इस शादी से कोई एतराज नहीं है ना? जी हमें कोई एतराज नहीं है। अगर हमारी बेटी खुश है तो हम खुश है। आप लोग शादी शुरू कीजिए। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे रुको। हाँ क्या हुआ? तुम तो बड़ी बड़ी बात कर रही थी, और ये तुम्हारी सीनियर, ये तो लंबी लंबी हाँक रही थी। शादी होगी, सबकी मर्जी से होगी, सबकी खुशी से होगी, और हम खुद अपने बेटे का हाथ इस लड़की के हाथ में दे देंगे। अब क्या हुआ वो सब? हम तो अब भी अपनी बात पर अटल हैं। ये शादी हरगिज नहीं होगी। शादी तो होगी और आपकी आंखों के सामने होगी, और अभी होगी। चलो चलो जल्दी शादी की। चलो नहीं हटेंगे। हमने कहा था ना, अगर ये शादी होगी तो हम जहर खा के अपने प्राण त्याग देंगे, यही मर जाएंगे। ठीक है। करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा जी। अरे 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 रुको, छोड़ो। अरे आपने तो कहा था कि वो मान गई हैं। हम पर भरोसा रखो, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। चलो देखो, अगर 6 फेरे पूरे होने से पहले माँ जी नहीं मानी तो मैं 7वां फेरा नहीं लूंगी। क्या फिर से? हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही होगा। अभी चलो 6 फेरे तो लो। कुरुक्षेत्र है क्या? अरे हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा। हो जाने दी, जितना अनर्थ होना है आज हो जाने दीजिए। अब तुम रस्म शुरू करो, जल्दी कर। वर वधू फेरों के लिए आप खड़े हो जाएं। हाँ आप पी लीजिए सर, आपके पास शीशी है ना जहर की, पी लीजिए। हाँ? हम क्यों मरे? हमारी पर्दा उम्र है अपने मरने की। अब हम ये लड़की को मारेंगे, और ये पुलिस वाला जो फेरे करवा रहा है इसको मारेंगे। चाची हमको कहे मारिएगा आप? एक चीते, तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा, तुम ये शादी चालू रखो, जल्दी करो। शादी नहीं करना है, कर चल ना आगे, बढ़ जल्दी। नहीं 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 नहीं, फेरे को बाद में, इस लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। पानी पानी पानी।
पहले आप कहिए कि आप इस लड़की को अपनी बहू मानेंगी। घूट पानी दो। आप तो पानी भी नहीं मिले। पानी तो दे दो, मेरी दीदी को मर जाएगी वो। अच्छा आप कह रहे हो दे देते हैं बिल्ले। मैडम ये छठा फेर है। शादी हो गई? इन्होंने मना कर दिया, आप बेहोश जो हो गई थी। माँ आपकी अनुमति के बिना हम शादी कैसे कर लेते? हमें हुआ क्या था? वो डॉक्टर साहब या माँ जी, आपकी रिपोर्ट देखकर मैं चौंक गया, अचंभा हो गया कि आपकी रिपोर्ट, फिर आप बची कैसी? ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब? आपको जो बीमारी हुई है उसका नाम है एंटीक्विटी पाए। क्या ये कौन सी बीमारी? एंटीक्विटी एंटीफिलोजिस्टिन, ऐसा नाम है एंटीफिलोजिस्टिन। इस बीमारी में क्या होता है, आपकी जो किडनी है वो खराब नंबर से फेल हो गई है और आपके जो लंग्स है वो एकदम से फट गए थे, पर जो आपका हार्ट है वो दो है दो। हार्ट तो एक ही होता है ना? जनरली एक ही होता है, लेकिन ऊपर वाले का दिल आप पे दोबारा आया, इसलिए दो हार्ट, लेकिन दोनों के दोनों एकदम पंक्चर खराब। बहुत सुई धागा लगा, बहुत चिप्पी लगी, बहुत पानी लगा, कहाँ कहाँ पंक्चर है वो देखने के लिए, तब जाके आप ठीक हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, शुक्रिया मेरा नहीं करना है, जिसने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है उसको शुक्रिया अदा कीजिए। केकड़े उठाओ। हाँ हाँ हाँ, उठाओ बेटा। कौन है वो फरिश्ता जिसने हमारे प्राण बचाए? आ बेटा ये है। माँ टोपा है क्या आप? आपने इनका ब्लड इनको दे दिया? ये क्या नर्थ कर दिया इन्होंने? हाँ कैसे कैसे कैसे? अरे आपको नहीं पता ये शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी का मौ भी नहीं बोलती है, और आपने इनके अंदर एक चिकन बटन खाने वाले का खून डाल दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? वो चिकन वाला खून छींची छींची वो निकालिए इनके अंदर से जल्दी। ओके, मैं अपनी गलती रिपेयर करता हूँ। देखिए आपके अंदर जो नॉनवेज वाला खून है इनका वो मैं निकाल लेता हूँ, और वेजिटेरियन खून जब मिलेगा तब डाल दूंगा। लेकिन एक 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 प्रॉब्लम है कि वेजिटेरियन खून डालने में, नॉनवेज खून निकालने में, उसके बीच में इनकी जान चली गई तो? अम्मा इंसान मर जाए लेकिन मान्यता ना जाए, जो नॉनवेज खाते हैं वो बहुत पाप करते हैं। हाँ ये नहीं जाना चाहिए तो मरने दो, है ना आंटी जी? ठीक कह रहे हैं ना हम। नर्स श्री जी, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी गुड। अरे क्या हो रहा है, तुम सब मिल गया, मैं मारना चाहते हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम काहे आपको मारना चाहेंगे, हम तो आपको बचाना चाहते हैं। आपने ही कहा था ना कि भैया जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके विचार थोड़े से, तो आपने कहा था जैसा आहार वैसा विचार। अब आपके अंदर नॉनवेज वाला खून रहेगा तो आपके विचार सोचे कैसे हो जाएंगे, ये तो सोचे, इसलिए खून निकालना बहुत जरूरी हो गया। अरे ये क्या बकवास है, मांसाहारी या शाकाहारी थोड़ी ना होता है, खून तो खून ही होता है ना। फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई कि खून तो खून होता है, वेज हो या नॉन वेज। ठीक उसी तरह कि जिस लड़की का खून अभी आपके अंदर है, ये उसका खून कहाँ से आया? उसके माँ बाप से, और खून के साथ साथ उन्होंने इस लड़की में भर भर के दिए हैं संस्कार, सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाने के संस्कार, और पूरे परिवार को एक साथ प्यार से संभालने के संस्कार। आपको पता है ये तो भागने वाले थे ना, और ये भाग भी जाते आप रोक नहीं पाती इनको, क्योंकि उनका कानूनी अधिकार है। आपका बेटा फिर भी भागना चाहता था, लेकिन ये लड़की ही थी जो डटी हुई थी कि जब तक आपकी रजामंदी नहीं मिलेगी ये नहीं शादी करेगी।
सुनिए आंटी जी, आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपके बेटे को लाइफ के लिए इतनी बढ़िया वाइफ मिली है। हाँ प्लीज मान जाइए ना, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, मुझ पर विश्वास कीजिए। एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर आपको अपने फैसले पे शर्मिंदा नहीं गर्व महसूस करेंगे। बेटा मुझे माफ कर। कोई बात नहीं माँ जी, ये चटक चंद सुनना, अभी बता देके आंटी को ये सब नाटक था। नहीं नहीं नहीं, जाने दो ना, बहुत मुश्किल से मानी है, ये कभी भी पलट सकती है, डेंजर है और जान का डर है ना, तो फालतू चीजों में ध्यान नहीं जाता। सही कह रहा है बिल्ले, ये झूठ जो है ना इसके दो रूप होते हैं, और कभी कभी झूठ का डर अच्छा होता है, झूठ के डर से भलाई हो जाती है, दो लोग एक हो जाते हैं, परिवार एक हो जाता है, तो ऐसे झूठ कभी कभी बोलना ठीक है। मैम थैंक यू सो मच, आपने और आपकी पूरी टीम ने माँ को मना लिया हमारी शादी के लिए। आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए। हेलो हसीना मलिक। हाँ हसीना मलिक बोल रही हैं। हाँ हाँ, आप कौन? आपके माताजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आप जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचिए। क्या ये? हाँ 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 ठीक है। हाँ संतु सुनो, हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ उर्मिला को मैडम से समझकर उन पे हमला हुआ था, और अनुभव भैया ने उर्मिला की जान बचाते हुए उन गुंडों पर गोली मार दी थी। हमें पहले बदमाश का फोन मिल गया, बस दूसरे बदमाश का ही फोन ढूंढना है, वो यहीं कहीं होगा बस। ये आइडिया तो ठीक है, पर चांस लेने में क्या जाता है? का मतलब? नहीं मेरा मतलब है अच्छा है, आइडिया अच्छा है ना, पूरा दुनिया चांस पे चल रहा है संतु, बात को समझो, अगर हम एक चांस ले लेंगे ना तो कोई संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा जिंदगी का, समझे? एक मिनट रुको पुष्पा जी, एक मिनट। हेलो। हाँ पुष्पा जी बोलिए, देखिए हम ड्यूटी पर है, जल्दी बोलिए। तमीज से, सास है हम आपकी, अभी ड्यूटी का समय खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, आप हमारी सास हैं, सास रहेंगी, लेकिन अभी बोलिए का किस लिए फोन किया आपने? हमारा दही और मक्खन लेकर आई आप? बस ला रहे हैं बस अभी दही मक्खन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है पुष्पा जी, ठीक है अभी रखते हैं। हाँ तो अरे बात कर रहे हैं फिर भी हमारा फोन काट दिया। हाँ संतु, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि हमें पहले वाले बदमाश के फोन से कुछ नहीं मिला है, अब दूसरा बदमाश है जिसके फोन से हमें दही मक्खन मिल सकता है, समझी ना तुम? दही मक्खन? नहीं नहीं सॉरी, लीड मिल सकता है, लीड। दही मक्खन का? हम आओ जड़ बुद्धि, मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने का। अच्छा ठीक है ठीक है। एक मिनट, ये पुष्पा जी ना, एक मिनट सुनो, हम कौन कॉल पे ले रहे हैं पुष्पा जी को? जी पुष्पा जी बोलिए बोलिए बोलिए। हमारा फोन क्यों काटा, बात कर रहे थे ना हम? नहीं नहीं मैंने नहीं काटा, करिश्मा मैडम ने काटा आपका फोन। संतु तुम भी हो साथ में? अरे हमने फोन को वो कर दिया, मर्ज कर दिया। अच्छा अच्छा, वो हमारा दही और मक्खन लेकर आई आप? अरे आ जाएगा, दही मक्खन नहीं हो गया क्या, सोना होगा? अरे आ जाएगा भैया, आ रहे लेकर आ रहे। हाँ झूठ बोल रही हैं आप, हम आपको अच्छे से जानते हैं, अभी तक आप हमारा दही मक्खन लेकर नहीं आई है। हाँ नहीं लिया, लेकिन ले लेंगे और फिर आ भी जाएंगे, एक दिन दही मक्खन लेट खा लेंगे तो पेट में कीड़े हो जाएंगे क्या आपके? हाँ हाँ, आप तो यही चाहती है ना कि ना रहे सास और ना रहे ये दही और मक्खन का रोज का झंझट, आप तो 24 घंटे यही दुआ मांगती होंगी ना कि निकल ले आपकी सास ऊपर। नहीं पुष्पा जी, जिस हिसाब से आप घी बादाम बेसन दही चावल रोटी सब्जियाँ सब लपेटती रहती है ना, उस हिसाब से 200 साल अभी आप और कहीं नहीं जाने वाली, ऐसी हमारी छाती पे मूंग दलेंगी आप, समझे? कॉकरोच और आपका जो है ना प्रजाति, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो आजीवन ऐसा ही रहेगा, समझे आप हमारी बात को? एक मिनट, आपने हमें अपनी सास को कॉकरोच बोला? हाँ यही संस्कार दिया आपकी अम्मा ने आपको? अरे हमारे लल्ला के तो भागे फूट गए, क्या पता है। पुष्पा जी मैंने आपका दही मक्खन ऑर्डर कर दिया है, 20 मिनट में आ जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद संतु धन्यवाद। पुष्पा जी देखिए अब हम फोन रखें, काम पे हम आपसे तो संतु। अच्छा मैं
हसीना जी आ गई। आइए आइए हसीना जी, आपकी अम्मी के हाथों के बने पनीर के पकौड़ों का आनंद लीजिए। आइए आइए बैठिए। अम्मी ये सब क्या है? हमें अभी फोन आया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। वो दरअसल हमने कॉल किया था आवाज बदल कर, पर वो आइडिया हमारा नहीं था, आपकी माता श्री का था। पूछिए पूछिए इनसे पूछिए। अब फोन नहीं करवाते तो तू ऐसे भागी भागी चली आती। हाँ तेरी पसंद के पनीर पकोड़े बनाए हैं। अच्छा तू बैठ, हम और पकोड़े लेके आते हैं। हाँ एक बात समझ नहीं आई, अम्मी के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर आप ऐसे दौड़ी चली आई जैसे वो आपकी सगी माँ। अम्मी अम्मी होती है ना, फिर वो चाहे किसी की भी हो। एग्जैक्टली यही तो हम आपसे हमेशा कहते आ रहे हैं कि माँ माँ होती है। जरा सोचिए क्या बीतेगी इन पर जब इन्हें पता चलेगा कि जिन्हें ये अपनी बेटी समझ रही हैं दरअसल वो उनकी बेटी नहीं है। क्या अधिकार है आपको किसी की माँ को इस हद तक तकलीफ देने का? हमें लगता है कि उन्हें आज आपको बता देना चाहिए। अगर हमने और बहाने बनाए तो अनुभव को शक हो जाएगा कि हम उर्मिला मात्र नहीं हसीना मलिक हैं। हमें लगता है कि उन्हें आज आपको बता देना चाहिए। अगर हमने और बहाने बनाए तो अनुभव को शक हो जाएगा कि हम उर्मिला मात्र नहीं हसीना मलिक हैं। मैं आज बताने वाली थी। आज नहीं अभी अभी यही सही मौका है, नेकी कर दीजिए। अरे ये लो चटनी के साथ खाना। हाँ, बहुत बढ़िया लगे। हाँ हाँ लेकिन और दो नहीं, बस 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 अम्मी। हाँ हमें आपसे बात करनी। अरे वो सब बातें बातें होती रहेंगी। नहीं नहीं एक मिनट, हमें जरूरी बात करनी है। दरअसल सच बात ये है कि हम हसीना मलिक नहीं हैं। मेरा असली नाम उर्मिला महादेव मात्रे है, मैं मुंबई में रहती है और मैं तेरी बेटी की माफिक दिखती है इसके लिए मेरे को। इसीलिए कहते हैं उस बिल्लू कैदी के साथ मत रहा कर, निकाल दे उसे थाने से। उसके साथ रह रहे के ना तू भी ऐसा गंदा मजाक करने लगी। अरे मजाक ही करना था तो ढंग का मजाक करती। हाँ बताओ, एक माँ से कह रही है कि उसकी औलाद नहीं है, ये बात तो ऊपर वाला भी एक माँ से नहीं कह सकता क्योंकि वो भी जानता है कि एक माँ का अपनी औलाद से रिश्ता एहसास का होता है जो सिर्फ महसूस करके भी पहचान लेती है। अच्छा चल बैठ, हम पकौड़े लेकर आते हैं। क्या मेरे चिक्को, क्या लगा रहे तेरे को कि अब जो तूने फोन पे किया था आवाज बदल के वो एक्टिंग थी? चाचा ये अभी जो मैंने किया ना इसको बोलते एक नंबर परफॉर्मेंस। इस साल का भास्कर अवार्ड नक्की मिलेगा किसको? उर्मिला महादेव मात्रे को। तू कहाँ पकोड़ा खा। क्या लगा था हम आएंगे नहीं का वापस? अपना अपना काम करा ठीक है बे, मतलब चोरी दुठो डकैती एक और एक अच्छी ना चोरी सिर्फ एक, वो भी हम पकड़े हैं। अब आप पे तो केस दर्ज नहीं कर सकते। और ये घरेलू हिंसा, यहाँ 5 यहाँ 15 का 16 किया हुआ ससुरा। अबे तो तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। महिला थाना कितनी तरक्की कर रही है और तेरे थाने का ग्राफ उससे भी ज्यादा नीचे गिर रहा है और तू यहाँ खड़े खड़े 32 दिखा रहा है और केले का चिप्स चबा रहा है ना? ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। ये दीदी ने आपके लिए बनाया है ना, लीजिए। एक बार ससुरा एक बार वो महिला पुलिस थाने का नब्ज हमारे हाथ में आ जाए फिर देखना कैसा कुंडली पलट देता हूं उस हसीना मलिक का महिला पुलिस थाने का। ये लोग यहां थे
अनु भैया ने यहाँ से गोली मारी होगी, यहाँ से अनु भैया ने गोली मारी होगी और ये यहाँ थे, इस हाथ में फोन था, गोली यहाँ लगी तो ये पीछे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ था हाथ, यहाँ से गोली लगी और ये देखो भैया, एक बात पूछेंगे, जवाब एकदम सही से चाहिए, नहीं तो बहुत कूटेंगे। हाँ, कुछ फोन मिला था क्या तुमको थोड़े दिनों में यहाँ पे कोई? नहीं मैडम। सच बताना। नहीं, हमें यहाँ पे कोई फोन नहीं मिला। ठीक है, गोली लगी यहाँ, यहाँ से और तो दरवाजा भी बंद है, यहाँ फोन गया नहीं है तो फिर फोन मैया का सासु मैया। संतु फोन मिल गया है। फोन मिल गया मैडम? हाँ फोन मिल गया है। अब सुनो, तुम्हें जो हम कहेंगे वही करना, ठीक है? जी मैडम। समझी? ओके मैडम। अब ये फोन हमें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा जिसकी वजह से आज मैडम सर हमारे बीच नहीं है। प्राइवेट नंबर है इसलिए क्रैक नहीं हो सकता मैडम, लेकिन फिर भी लास्ट लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। जी जय। पीछा क्या कर रहे हो? हाथ भी लगाने का सोचा ना तो देख लेना, पुलिस वाली हूं मैं, समझे? समझ आया? कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसकी। चलो चलो सर। सर, सर। अरे अरे, आप लोग कहां अंदर घुसे चले आ रहे हैं? सर हमें कंप्लेंट लिखानी है। रिपोर्ट लिखाना है या सॉल्व भी कराना है? केस सॉल्व कराना है तो महिला थाने जाओ। यहाँ आपके कंप्लेंट यहाँ लिखेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। बताइए बताइए क्या हुआ था? सर हमारे साथ ऑनलाइन चीट हुआ है। का मतलब कैसे हुआ, का हुआ? सर हमारे पास सोशल मीडिया के मैसेंजर से एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था कि ये स्कीम अगर आप लेते हैं तो आपका पैसा दो दिन में डबल हो जाएगा। और सर उसमें जो अकाउंट नंबर था, हम सब लोगों ने सर अपना पैसा उस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सर अभी 4 दिन गुजर गए हैं, सर हमारा पैसा डबल हो जाएगा ये तो छोड़िए, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी वापस नहीं आया। अरे तो किसने ना मतलब किसने कहा था कि अनजान फ्रॉडिये पे भरोसा करे? अनजान नहीं थी सर, पुलिस वाली थी, वो भी अपने ही एरिया की महिला पुलिस थाने की। सर मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ। और सर यही फोटो उस सोशल मीडिया के मैसेंजर पर भी है। देखिए सर, ये देखिए। ये बात अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हसीना मलिक बुलबुल पांडे आ रहा है। द विलन इज बैक। हम करम जले नास पीटे कीड़े पड़े तेरे मुंह में, तुमको हमें मिले क्या ठगने के लिए? हाँ तुमको पता नहीं है बेटा किसके साथ पंगा लिया तुमने? पुलिस के साथ पंगा लिया। रख 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 रख। अरे चील मातारी चील। और क्या चील चील, कैसी कैसी लच्छेदार बातें करके हमें बेवकूफ बना रहा था, हमसे हमारा ओटीपी मांग रहा था। अरे मैडम बधाई हो, आपको ना इनाम में वॉशिंग मशीन निकली है, बस ओटीपी दे दीजिए और अपनी मशीन लेके जाइए। तुमको तो पता है हम कितने भोले भाले हैं, आ गए उसकी मीठी मीठी बातों में। सोचा करिश्मा जी के लिए एक मशीन ले लेते, वैसे भी फ्री में मिल रही है। अच्छा।
वो तो अच्छा हुआ वक्त पे तुमने आकर हमें बचा लिया, वरना आज आज हमारी सारी जमा पूंजी उस नालक के गले में चली जाती। सब थकते हैं मेरी गरीब गाय जैसी माँ को। हमें ना उनकी करिश्मा जी की पड़ी है, अगर उनको पता चल जाएगा ना कि हाँ हम इस तरह से बेवकूफ बनने वाले थे तो हमारी कुछ खैर नहीं। माँ टेंशन मत लेना, करिश्मा मैडम को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी कि इस गाय को फ्री वॉशिंग मशीन का चारा देकर कोई ठगते ठगते रह गया। माँ मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ, स्पेशल चाय, तुम फ्रेश हो जाओगी। अदरक वाली? हाँ। संतोष जी देख कर चलिए ना। क्या हुआ पुष्पा जी? ये सब बाद में, आपको पता है कोई मेरे पीछे पड़ा था। क्या क्या इससे कैसे पीछे पड़ा था? देगी अभी 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 नहीं, अभी चला गया। और तुम पुलिस नहीं हो याद रखो। हाँ ठीक है ठीक है। कौन था रे? पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, पीछे पड़ गया मेरे। खैर मैंने उसे डांट कर भगा तो दिया, लेकिन लेकिन बहुत स्कैरी था पुष्पा जी। ये सब ठीक है लेकिन आप बताओ आपको क्या हुआ? आपकी शक्ल पे दिख रहा कि कुछ गड़बड़ हुई है। कहाँ? अरे छोड़ना भातरी, काहे के लिए सफेदी की चमकार से छुपाने का? इधर सुन, मालूम तेरे को अभी जो अपनी आइटम के साथ ना बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड होते होते बचा है। संतु यहाँ हो जरा। देखो मगर ये बात करिश्मा जी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। वो छोड़ो, तुमको तो पता है ना, उनको बस मौका चाहिए हम पर पूरी भड़ास निकालने का, तो मत बताना। नहीं बताऊंगी। वैसे आप जानती हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, ये अब अलग अलग तरीके से फ्रॉड करने लग गए। अच्छा? हाँ, सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बनाते हैं किसी का भी, और किसी और के नाम पर पैसे हेटते हैं, उन्हें लूटते हैं। हाँ मैं तो इतनी अलर्ट हूँ, इतनी स्मार्ट हूँ, तो मुझे हाँ अलर्ट हूँ मैं और स्मार्ट भी हूँ, तो मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन मुझे चिंता होती है बाकी के लोगों की, उनमें ये अलर्टनेस कैसे लाऊं मैं। जय हिंद सर। जय हिंद। ना मतलब इनके लिए तालियां होनी चाहिए, ना मतलब ठग को कोई कैसे ठग सकता। ये कौन है? ये हमारे थाने का बहुत बड़ा दुश्मन है, जानकीपुरम थाने का। अच्छा इधर आ जरा। हां भाई बुलबुल क्या दिक्कत है? सिर्फ बुलबुल, पांडे जी कहां गया? ओके तो बुलबुल पांडे जी का दिक्कत है? अरे कौनो दिक्कत नहीं है, बट का है ना, आपका और हमारा थाने का कुंडली ही कुछ ऐसा है ना, मतलब ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकते हैं। वो अलग बात है कि जब भी हम आपका थाने में कदम रखते हैं, आपका थाने का कुंडली जो है वो टकमगा जाता है, जैसे कि अब मचने वाला है जब हम गिरफ्तार करेंगे संतोष शर्मा को। एक सेकंड, मुझे गिरफ्तार करने? हाँ आपको अरेस्ट करने आए हम। अब आप वारंट मांगेगी? वारंट दे। हाँ, हमें दिखा, हम देखते हैं। हाँ वारंट तो ठीक है, मगर आरोप क्या है? अरे ऑनलाइन फ्रॉड किया है, ठगी किया है, इंटरनेट से लोगों का पैसा इतने का प्रयास किया है, और वो लोग यहाँ पे स्पष्ट करने आ रहे थे सब बातें, लेकिन इन्होंने डरा धमका के उन्हें भगा दिया। क्या? हाँ पीछा क्या कर रहे हो? हाथ भी लगाने का सोचा ना तो देख लेना, पुलिस वाली हूँ मैं, समझे? और तो और इनके मोबाइल नंबर से अभी अभी हाल ही में 2.5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। नहीं सर ये झूठ है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते। अरे सब चेक करेंगे, तफ्तीश करेंगे, बकायदा कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन फिलहाल कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ, तो तुमको हमारे साथ हमारे थाने में चलना होगा। चलिए संतोष शर्मा जी। एक मिनट, मतलब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तो अभी बता रही थी वो तेरे साथ ही हो गया? मतलब किसी ने इसका अकाउंट ढाप के इसके नाम से दूसरों को चूना लगा दिया? अच्छा कावत। ये हसीना मलिक इतना बदली बदली काहे लग रही है? अरे चुप कर बिस्खोपड़ा साला, रेती बेइज्जती के बाद तू नहीं बदला तो कोई और कैसे बदल सकता है, बता। मतलब हम तो बनते बनते रह गए, संतु तो बन गई। हाँ स्मार्ट होते हुए भी चीता को बताना पड़ेगा। समय है बाबा, संभल ले। चीता का फोन बिजी। अच्छा सुनो, हमको एक जरूरी बात करना था। हमको ना एक तो लड़की पसंद आ गई है अम्मा।
हम चाहते हैं ना कि मम्मी एक बार तुम लड़की से मिल लो, उसके बाद से जो तुम्हारा फैसला होगा ना, हमारा भी फैसला वही होगा। अरे बहुत अच्छी मम्मी, हम कहा बताए अम्मा, बहुत अच्छी है। हाँ 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 ठीक है अम्मा, ठीक है रखते हैं। हाँ पढ़ा गुड लाइक गुड पढ़ा। कैसा निशाचर प्राणी है तुम दोनों है, कैसा नरभक्षी लोग है, 24 घंटा थाना और थाना वाला लोग का बात सुनता ही रहता है तुम लोग। हमारी दुकान के सामने बात कर रहे थे। ये क्या है कुछ और? एक हाँ हाँ सर, कहाँ अभी हेडक्वार्टर सर? जी सर जी सर, हम आते हैं हम फटाक से आते हैं सर। जी सर प्रणाम सर। हेलो अरे बाबू, अगर खो गया होता ना तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बताते हैं तुम लोग, खाली हेडक्वार्टर से आने दो हमको, बताते हैं तुम लोग को मिला कुछ? कहां से मिलेगा? तुम ठहरी साइबर वाली, सब कुछ पहले से साफ सफाई करके साफ कर दिया है ससुरा। सर ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमें लगता है कि आपको तफरी करनी चाहिए। ये पूरे दिन ड्यूटी के नाम पे करता क्या है, तफरी ही तो करता है। नहीं नहीं मगर मैडम सर कहना चाहती हैं कि तफ्तीश करें वो ऐसे आ रही है। वेरी गुड वाइच। अरे वो लैपटॉप आपका है ना संतोष शर्मा, तक ये मना मत करना, हमें पता है कि वो आप ही का लैपटॉप है। सर मैं क्यों ना बोलूंगी, हाँ वो मेरा ही लैपटॉप है। हाँ तो ठीक है खोलिए उसे। अरे खोलिए भैया, कौन सबूत बबूत आ जाएगा सामने हमारे हैं, खोलिए। मर गए, इसमें तो उन गुंडों के मोबाइल डेटा है जो मैंने सर्च करके कलेक्ट किए हुए थे, और करिश्मा मैडम ने कहा था कि ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या कहूँ अब इनसे? देख क्या रही है, अब ये मत कहिएगा कि बैटरी डाउन है, ऑन कीजिए उसको। सही, ऑनलाइन फ्रॉड मैंने ही किया है। ये मेरी ही गलती है, इसीलिए मेरा लैपटॉप चेक करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो चलिए फिर। अब एक मिनट, क्या सर आप हटे, क्या सर आप इतने बड़े काबिल होनहार सदाबहार हवलदार थानेदार ऑफिसर होने के बावजूद जो है क्यों अपने हीरोगिरी का ऐसा तवा पाव कर रहे हैं? अरे आपसदारी में सब चलता है ना, खाकी खाकी बाय बाय। अरे मुंबई जाकर देखने का अक्खा वड़ा पाव कम्युनिटी में ऐसी यूनिटी है ना, मतलब वैसी यूनिटी हम लोग में क्यों नहीं हो सकती? देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, क्या है ना, आप और हम दोनों जानते हैं कि ये सफेदी संतोष शर्मा जो है कभी इस तरह का काम कर ही नहीं सकती। अरे नक्की किसी ने इसको फंसाया है, इसलिए एक काम करते हैं, क्यों ना आप हमें 2 महीने का वक्त दें, 2 दिन का वक्त, 48 घंटे, 48 घंटों के अंदर अंदर हम इस डेढ़ चाने को पकड़ के भी लाएंगे और डाल देंगे जेल के अंदर, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं किधर जा रही हूँ, आ जाना पकड़ के ले जाना इसे, बरोबर? ठीक है ना? ठीक है, चलो दिए हमने आपको 48 घंटे, 48 घंटे तक हम आपको गिरफ्तार करने नहीं आएंगे, लेकिन तब तक दीजिए इस लैपटॉप को छुएगा नहीं। हैं? So cute. कहाँ खड़े हो, 48 घंटे दिए उन्होंने, चलो यहाँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मेरे खाते में चाय पी के जाना तुम। संतू क्या जरूरत थी आरोप मान लेने की? ए माता रही, सुनना छोड़ना आइटम, अपने को तो पता है ना कि अपनी सफेदी की चमकार बिल्कुल मासूम है, मगर जरूरत क्या थी? अरे लेकिन वो अभी भालू देकर गया ना अपने को 48 घंटे, कर लेंगे कुछ ना कुछ, हो कि नहीं? संतू अब ये कहाँ चली गई? कुछ तो ऐसा है लैपटॉप में जो संतोष शर्मा ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। संतू ने उस गुंडे जिसने उर्मिला पर हमला किया था उसके फोन का लास्ट लोकेशन यही बताया था।
ये तो उसी लखनऊ हाईवे के ब्लूप्रिंट है जहां पर मैडम सर पर हमला हुआ था। ये उर्मिला और साजन का फोटो यहां क्या कर रहा है? ये बॉम्ब से कनेक्टेड है। 1 मिनट लेफ्ट। कोई नहीं चाहता है कि ये फोटो किसी के भी हाथ लगे। हो सकता है इसी के जरिए हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंच सके। हाँ पुष्पा जी बोलिए। कहाँ? नहीं, क्या कर रही हो तुम? मना किया है ना बुलबुल पांडे जी ने? डरती क्या मैं भालू से? अरे उसके जैसे भालू रोज मेरे रेकड़े पे आके मस्त मिर्ची पाव खा के जाते हैं। और उसको बताएगा कौन? अरे मैडम, हम है ना, हम बताएंगे कि आपने लैपटॉप को छेड़ा है। क्या रे केकड़े, गया नहीं तो अभी तक, इधर ही है। अरे मैडम, बुलबुल सर ने हमारा ड्यूटी लगाया है कि कोई भी लैपटॉप को छेड़े और हम फोन करके उनको बताएं। और आप तो जानती हैं कि बुलबुल पांडे कितना नीच कमीना गिरा हुआ इंसान है। अरे किसी ने यहाँ लैपटॉप को छुआ और वो यहाँ प्रकट हुआ संतोष जी को गिरफ्तार करने के लिए। कैसी रही? ये कैसी रही? चलता है मैडम, चलता है। तो क्या है ना कि हमारे कमीने जीजा का गुस्सा सब हम पर ऐसे ही उतारते हैं। चलता है, चलता है, मतलब हम चलते हैं। लेकिन लैपटॉप को कोई हाथ मत लगाइएगा, कहे कि 24 घंटा हमारा नजर लैपटॉप पे ही है। क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, बुलबुल पांडे आता है, हम सबको धमकाता है हमारे ही थाना में आकर। हाँ, संतू पे झूठे इल्जाम लगा रहा है और उससे 48 घंटे का समय मांगने का नौबत हमारा आ गया है और किसी ने यहाँ से कुछ नहीं कहा उसको। अरे तो हम क्या करते हैं? उसके पास लिखित में शिकायतें हैं, संतू का अरेस्ट वारंट लेकर आया था वो। नियम कायदा कुछ तो है ना, वो फॉलो करना पड़ेगा ना। वो तो अच्छा हुआ उर्मिला ने जैसे तैसे करके 2 दिन की मोहलत ले ली उससे, वरना वो तो अभी अरेस्ट करके लेके जाने वाला था। अरे क्या रे चटक चांदनी, और वो संतू वो अलग एडी है, फालतू का झूठा इल्जाम अपने सर पे ले लिया लेकिन लैपटॉप को हाथ नहीं लगाने दिया, ऐसा कह रहे उसमें? हमें पता है उसने लैपटॉप को हाथ काहे नहीं लगाने दिया। बात यह है कि हम संतू फोन मिल गया मैडम। हाँ फोन मिल गया है, अब सुनो तुम्हें जो हम कहेंगे वही करना, ठीक है? प्राइवेट नंबर है इसलिए क्रैक नहीं हो सकता मैडम, लेकिन फिर भी लास्ट लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। उस लैपटॉप में गुंडों के मोबाइल का डेटा है, इसलिए संतोष ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। समझी, संतू को उन झूठे लोगों से बचाने का जिम्मेवारी अब हमारा है। हमारे वजह से फंसी है संतू, अब हम ही उसको वापस लेकर आएंगे। करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा को हम लेकर आएंगे। आधा घंटा से आपको एक ही बात समझा रहे, इस बार कैंसिल कर दीजिए आप प्लान। का बताएं आपको, बड़ा पर्सनल लेवल पर दिक्कत हो गया है माँ। हम लोग की महिला साथी हैं, महिला पुलिसकर्मी, उन पर ठगी का आरोप लगा हुआ है। तो का बताएं, किसी के शकल पर थोड़ी लिखा होता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। पूरा जमाना करप्ट चल रहा है मम्मी। नहीं नहीं, अगला बार कुछ होगा तो हमको बताएंगे, कन्फर्म बताएंगे। एक मिनट, किसी के दवाई देने का समय हो गया। अरे बाबू रे, क्या कैसा चुम्मा ले ले, हमको चुम्मा ले ले, गजब करता है तुम। बतिया कुछ नहीं चाहिए हमको, बतिया रे अम्मा से। हाँ अम्मा,
ठीक है, मैं प्रणाम गोल लग रहा फिर। अब बोलो तुम लोग के कौन से अंग में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? संतोष जी सुनिए तो। सुन ली पूरा जगास। अरे चीता तेरा ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं था, अब तो लाइफ का दी एंड है। और नरभक्षी भालू कैसा तुम्हारी भैंसिया का गोबर लीपे एक बार बोल तो दिया होता, संतोष यहीं पर खड़ी है। तो तू ही गोबर तुम्हारे मकान पर लीपे कब से केकड़ा पहले तो एक सी, एक सी, एक। क्या बता रहे थे? किसी को सुनते हो? नॉर्मल कब रहते हो तुम? आज पूरा जिंदगी खराब कर दिया तुम लोग। जहर पिलाओ, 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 फिनाइल पिलाओ अपना। ये लो रखी है पेसल। ये इल्जाम प्रूव हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। नौकरी, इज्जत, मेरा खुद का, मेरी खुद की डिग्निटी, पहचान, सब एक झटके में चला जाएगा। मुझे जेल हो जाएगी, पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आईपीएस बनने का सपना, पापा को प्राउड फील कराना, सब सब खत्म हो जाएगा। संतू जी आप हमसे बात कह नहीं कर रही हैं। संतू जी हम बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे हैं जो हम किए उस पर। हम मानते हैं कि जो आप सुनी वो सच था, लेकिन जो आप समझी ना वो बिल्कुल गलत था संतू जी। अरे हम तो अपनी अम्मा को ऐसे ही बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी बोल रहे थे संतू जी, हमारा वो मतलब नहीं था जो आप समझ गई संतू जी। उसी के लिए हम बड़ा से क्षमा प्रार्थी हैं संतू जी, हमको माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे बात कीजिए ना संतू जी, हम सब कुछ समझा देंगे आपको कि हमारा वो मतलब नहीं था जो हम। पुष्पा जी देखिए ना, संतू जी हमसे बात नहीं कर रही है, तब से इनको समझा रहे पुष्पा जी। संतू क्या है ये, इस तरह से कोई हार मानता है क्या? देखो तुम सही हो, तुम निर्दोष हो, तो तुम्हें किस बात की चिंता? हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इस तरह के उतार चढ़ाव तो हमारी जिंदगी का, हमारी नौकरी का हिस्सा है, इनसे क्या घबराना। हमारे हमलावरों को पकड़ने में कहीं संतोष शर्मा की कुर्बानी ना चढ़ जाए, हमें कुछ करना होगा। हाँ एकदम बराबर बोल रही मातारी। आइटम क्या रे सफेदी की चमकार, इतना टेंशन काहे के लिए लेने का? देख तू ना मेरे साथ मुंबई चल, मुंबई जाके तेरे को मालूम गिनेगा कि वड़ा पाव का रेकड़ी चलाना मंजे कितना डोकियाला त्रास रे बाबा। पर मैं ऐसे हार थोड़ी ना मान के बैठती है। क्या है ना, जिंदगी एक चुनौती है जिसका अपने को सामना करना पड़ता है। ऐसे जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको ऐसा आंखों में आंखें डाल के देखने का, उसको पकड़ने का, उसका गर्दन मरोड़ के, उसको फाड़ के शेरनी बन के बाहर आने का, क्या बोलती? संतू हम ना तुम्हें किस्सा सुनाते हैं। पुष्पा जी का किस्सा? पुष्पा जी का किस्सा प्लीज मत सुनाइए। माँ मुझे किस्सा सुनना है, सुनाइए। हाँ हाँ सुनाते सुनाते। पता है तुमको एक दिन क्या हुआ? हम ना लल्ला के बाबूजी का नाम लेंगी अभी। लल्ला के पप्पा से नाराज होके हमने एक दिन अपने आप को कमरे में बंद करके रख दिया था, तो लल्ला के पप्पा हमें मनाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे। पुष्पा जी मतलब कितना ज्यादा अलग अलग कहानी सुनाती हैं ना आप। नहीं मतलब आप गुस्सा के कमरे में बंद कर ली तो लल्ला के बाबूजी पेड़ पर कहाँ चढ़ गए? अरे क्योंकि पेड़ की डाली खिड़की तक पहुँच रही थी ना, और फिर पता है टूट गई। क्या लिंग टूट गई? नहीं लल्ला के पप्पा की टांगे। अरे तुम लोग फालतू के जोक मारना बंद करो रे, अपने पास ना एक रामबाण इलाज है इसको हंसाने का, देखो। नहीं 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 ये नहीं करना प्लीज। क्यों क्यों? नहीं 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 मुझे बोलो ना। प्यारे पगलू अपनी मैडम को बचाने के लिए तू खुद जेल जाने को तैयार थी। मैडम सर के कातिलों को पकड़ना है और उनके लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। हम भी संतु
मैडम सर के कातिलों को पकड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे और साथ में मिलकर करेंगे, पर सबसे पहले इस झमेले पे वापस आते हैं और तुम हमको ये बताओ कि तुमने अपना फोन किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया था इन दिनों? कोई OTP शेयर किया अपने फोन का, या फिर कोई भी लिंक हो जिसको तुमने क्लिक कर दिया हो, अपना फोन या किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं मैडम, आप जानते हो ये सब चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हूँ। वो तुम हो, पर फिर भी कभी कभार गलती से, सोचो तुम थोड़ा। संतू, उन्होंने धोखाधड़ी के लिए तुम्हारे नंबर का इस्तेमाल किया है, तो जाहिर है उन्हें अब तुम्हारे नंबर के सारे डिटेल्स कहीं से तो मिले हैं ना। याद करो, मॉल, मैं मॉल गई थी कुछ दिन पहले, वहाँ कुछ लड़के जो है लकी ड्रॉ के कूपन बांट रहे थे और उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भरवाया था जहाँ मैंने अपना नंबर लिखा था और कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन लिखी थी। ओ, तो मतलब यहीं से उन्होंने इसका नंबर ढाप के जो है ये सब पूरा कारीगरी की है। अच्छा, ये कितने लोग थे? तीन। तीन, और कब हुआ था ये? 14 फरवरी, ये वैलेंटाइन डे के दिन। क्या, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाला दिन आप मॉल गए थे भी अकेले? संतू जी, हमको जिंदा ने ना काट दे, हमारा नस दांत से काट दे, हम यही मर जाएंगे। वैलेंटाइन मना, हमें उस मॉल का CCTV फुटेज मंगाना होगा। उस फुटेज को देखकर अपन सबको आइडिया गिरेगा ना कि वो तीन लोग कौन थे, उनका शकल बिकल दिखेगा, कुछ तो आगे बढ़ा पाएंगे ना अपन इस मामले को। हाँ मैडम, हम फुटेज का पता करते हैं अभी, ठीक है ना? टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। क्या बोलती पब्लिक? हेलो, अबे हेलो हेलो, क्या कर रहा है? रिपोर्ट ले मनहूस, रिपोर्ट। मतलब सर, आप पैसा कहते हमको है? सर रिपोर्ट लीजिए। कि चीता अभी तक CCTV फुटेज लेकर काहे नहीं आया है? कब आएगा वो? मैडम मैडम, इधर मैडम, ये देखिए, ये सारा CCTV फुटेज लेकर आए हम, उसके सामने खड़ा होकर ना सामने निकलवा कर लाए हैं। आखिर में एक मासूम को ज्यादा मासूम साबित करने का सवाल जो है, क्या पता इसके बाद संतू जी कहीं हमको माफ कर दें, हैं? संतू जी? हाँ, कर देगी, लावा, चला। हाँ, कर नहीं पुष्पा जी। माता रही लगाते आता है ना? अरे क्या हुआ? अरे अरे, क्या कर रही हूँ? अरे मेरे घर का टीवी ऐसे ठीक होता है? आपका टीवी लतखोर होगा, ये नहीं है, ये कंप्यूटर है ना। Excuse me, sorry for disturbance, take a official break, he is a crime, cyber officer Jain Bhaskar and his team come behind early. अरे यार, बोल, हिंदी बोलना यार। ये क्राइम ऑफिसर है जैन भास्कर, इसके टीम आ रही इसके पीछे, बस। जी कहिए। भास्कर, हमें अपने सोर्सेस से पता चला है कि आपने मॉल से कुछ फुटेज मंगाए हैं, वो फुटेज हमारे हवाले कीजिए। ये साइबर सेल का केस है, इसलिए इसके जुड़े हुए सारे एविडेंस हमारे पास होने चाहिए। क्या? हाँ, लेकिन हम जो है ना, वो असली गुनेगार तक उसको पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? देखिए, वो हमारा काम है और हमें अपना काम अच्छी तरह करना आता है। आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और इससे दूर रहिए, ये फुटेज हमें दीजिए। अरे पंकज, दे दीजिए। थैंक यू। ये सब उस बुलबुल पांडे का किया था, वो चाहता ही नहीं है कि हम असली गुनेगार तक पहुंचे और संतू को निर्दोष साबित करें। चलते इन्वेस्टिगेशन में इसने चोच मारी है, इसका तो वो हाल करेंगे ना हम कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। करिश्मा सिंह गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले जो हमारे थाने के लिए भारी पड़ जाए। शक्कर चेक कर रहे थे, बहुत मीठा है, आपके लायक नहीं है, बिना शक्कर वाला चाय दो। गजब गजब गजब, जयंत बाबू का एंट्री है, ये होता है टाइमिंग ना, मतलब एकदम सही समय पे एंट्री मार के वो जो CCTV का डाटा है वो हड़प लिया आपने, गजब किया जयंत बाबू, गजब। काय नहीं करते, अरे तुम हमारे कॉलेज के जमाने के मित्र हो, अब तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते। इधर तुमने हमें सूचना दी कि थाने में फुटेज है, उधर हम महिला थाने पहुंच गए और फुटेज अपने कब्जे में कर ली। अब जो करना है ना वो साइबर डिपार्टमेंट करेगा। पहले से एक निर्लज का कमी था जो दूसरा आ गया। क्या बोला भी? चाय में बहुत मीठा है, बहुत चीनी डाला, अरे काहे तक चीनी डालते हो,
काहे काहे तुम काहे मुफ्त का इतना चिन्नी डलवाते हो? अरे कहाँ चिन्नी में, तो बेटा देखते हैं जयंत बाबू, इस बार ही महिला पुलिस थाना हमारे प्रकोप से कैसे बचता है। हेलो हेलो संतू जी, प्लीज 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 फोन मत काटिएगा इस पर, हम बस ही बताना चाह रहे हैं कि हम जो कुछ भी बोले ना आप गलत समझिए। हेलो संतू जी, हेलो हेलो संतू जी, संतू जी आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हैं, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हेलो, कौन? संतू जी, जानू मैंने तुमको बहुत सताया है। संतू जी सॉरी जानू, सॉरी। संतू जी आपका आवाज एकदम कोयल जैसा सुरीला है ना, कैसा फटा हुआ बांस जैसा आवाज आ रहा है आपका। वो सुबह सुबह फटी दूध की चाय पी ना, इसलिए मेरी आवाज भी फट गई। संतू जी आपको कैसे पता कि हमारी अम्मा आने वाली थी आपसे मिलने के लिए? संतू जी मतलब आपकी तरफ से हाँ है? संतू जी आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश हो रहे हैं। बदनाम चाय देना। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। संतू जी देखिए, बस्ती वालों देखो, संतू जी का नाम ले रहा है लेकिन इस किसी और लड़की के साथ, चक्कर किसी और लड़की के साथ, यही है दोगला आशिक, यही है। संतू जी ऐसा कुछ भी नहीं है। संतू जी संतू जी देखिए हमको लग रहा, संतू जी हमारा संतू खोलो। पुष्पा जी ये दरवाजा अभी के अभी खोलिए, आप नहीं खोलेंगी ना तो यहाँ से पैकअप हो जाएगा आपका, थाना से बता रहे हैं, लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी, तत्काल में बता रहे हैं। और तुम क्या खुद को असली में हसीना मैडम समझने लगी हो क्या? तुम्हारा शक्ल मिलता है उनसे, सिर्फ ये भूलना मत तुम बात। और वो बुलबुल कितना बड़ा टोपा इंसान है, उसको हम ही संभाल सकते हैं, पूछ लीजिए सबसे। बात तो ये भी सही कह रही है, हम खोलते हैं। अरे रुक, क्या खोल देती है। ए सुनो, तुम लोग मेरे को इधर हसीन दिलरुबा बना के लाए ना, तो अभी मैं हसीना मलिक के तरीके से ही इस केस को सॉल्व करेगी। क्या प्रॉब्लम है किसी को? अरे ये क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कुछ नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं है तुम्हारे पछड़े में, तुम्हें जो करना तुम करो, हमको मैं नहीं मना करेंगे, लेकिन अभी हमें अर्जेंट कहीं जाना, तुम्हारी बात को समझो, उसको खोलो, अर्जेंट है अर्जेंट। नक्की? हाँ नक्की, ये मातारी की कसम खा। नहीं नहीं मत खाइए, झूठी कसम खाई तो हम तो कट लेंगे ना। क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही। खोल दरवाजा दोनों एड़े, खोले 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 खोले। शांत 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 शांत। 2000 में कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम नहीं कर रही हो तुम? हाँ बहुत कुछ कर रही हो हमारे थाने के लिए आजकल भैया। ए चटक चांदनी, ये तेरे फोकट के 2000 के लिए नहीं कर रही है, थाने पीने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रही है। अच्छा, वो जो सफेदी की चमकार उसको देख के मेरे को लगता है मेरी छोटी बहन होती तो वैसी होती। बताओ 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 बताओ, हसीना मैडम के जज्बात भी इनके अंदर आ गए हैं, बताइए। ए अभी अभी नहीं उमड़ा, मैं तो बचपन से ऐसी हमेशा सबका ख्याल रखती है। पर तेरे पर अरे दरवाजा और करो आराम, समझी? जब हमारा बुद्धि खनकता है ना तो हम असली हसीना मैडम का भी नहीं सुनते थे। अब ये केस हम अपने तरीका से निपटाएंगे। और पुष्पा जी, हमारे आने से पहले अगर ये बाहर आई तो सीधा एनकाउंटर होगा आपका। ए एडी, मैं दरवाजा तोड़ के गया। 24 घंटे खत्म होने में बस कुछ है समय बचा है। अरे भाई इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा, अभी जाकर पूरा थाना का इज्जत निकालते हैं। अब एक कमीने, जब यहाँ आना ही था तो एसएमएस पे बकवास करने की क्या जरूरत थी? बताओ ओए, बताओ बताओ बताना। बोलिए बदनाम भाई, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या, बताइए। क्या करेगा बे तू? सुनेंगे क्या दिक्कत है, दोस्त है ना। और तुम का सुबह सुबह बकवास लगा रखा है, कब मैसेज किया हमने तुमको? आपने ही तो हमको मैसेज किया था ना कि दीदी के लिए हार खरीद रहे हैं, कैश नहीं है, कार्ड काम नहीं कर रहा है, 10,000 रुपए डाल दो, तो हमने डाल दिया। दिखाइए ना कैसा हार लिए है, बताइए ना। अरे सुबह सुबह भांग चढ़ा लिए हो, थतूरा चाट लिए हो, का आप शराब कुछ भी बके जा रहे हो? 12 साल का शादी के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को चौवनी का झुनझुना तक गिफ्ट नहीं देता, और तुम थतूरा 10,000 के ऊपर का हार का बात कर रहे हो।
दुष्ट कपटी निर्लज गिरा हुआ दो कौड़ी का इंसान। रुक रुक, अभी तू पैसा लेकर मुकर रहा है ना, रुक अभी बताता हूँ। पुलिस पुलिस। हाँ हाँ, अरे क्या टोपा गए हो क्या, पुलिसों की पुलिस पुलिस चिल्ला रहे हो, ऐसा क्या अंधेर गर्दी हो गया भैया तुम्हारे साथ। अरे मैडम हाँ। इसको इसको पकड़ लीजिए मैडम, ये बहुत बड़ा ठग है, हमसे 10,000 रुपए ठगा है अभी थोड़ी देर पहले। 10,000 रुपए दे दिया तो अभी साफ मुंह पे मुकर रहा है, देखिए। अरे झूठ बोल रहा है ससुरा। मैसेज नहीं किया? नहीं किया है। 10,000 नहीं लिया? अरे नहीं लिया। एक मिनट, एक देख देख, दीदा फाड़ के देख। अरे इतना नजदीक से कौन देखता है भला, दूर से देख ले। तेरा ही नंबर है ना, तूने ही मैसेज किया है ना। किसका नंबर है ये ससुरा? हमारा नंबर है। पर हमने इका कोनो मैसेज वैसेज नहीं किया है, आप चाहे तो हमारा मोबाइल चेक कर लीजिए, कोनो चैट वैट नहीं ना मिलेगा। मेरे को कुछ कहने का है। आ इधर इधर बोलो। हाँ हाँ हाँ, मैडम सर आए। अरे इतनी ओवर एक्टिंग करेगी ना तो कमर लचक जाएगी माता रे। मैडम सर आप बाहर आके बोलिए ना। हाँ आई आई आ रही आ रही आ रही मैडम। मेरे को कुछ स्पेशल बोलने का है, हम आपको एक खास बात कहना चाहते हैं। हम आपको एक खास बात कहना चाहते हैं। हेलो, क्या रे सफेदी की चमकार, नाखून नहीं चबाने का इतना इन्फेक्शन होता है। आपको कैसे पता मैं नाखून खा रही हूँ? काय के लिए, जिंदगी मैंने भी बहुत नाखून चबाए रे। देख तेरे को चबाने का है ना तो टेंशन को चबा के ऐसे थूक देने का। अभी चल फटाफट तू चार्ज हो जा, अपने पास एक मस्त वन टास आइडिया है, वो भालू पांडे की अकल ठिकाने लगाने का। कैसे? उसको उसकी जबान में झटका दे के। देख जैसे तेरे मैसेजिंग का डुप्लीकेट बना ना, वैसे अभी ये भालू पांडे के मैसेजिंग का डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर उसके फोन में घुस के उसका अकाउंट पूरा साफा चट। नहीं लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? देख अपने दो फायदे होंगे, एक तो वो भालू पांडे की अक्कल में थोड़े तारे जगेंगे और दूसरा ये कि ये जो असली मुजरिम है ना जिसने पूरा कांड किया है उसको पकड़ने का अपने को एक मस्त रास्ता मिलेगा। नहीं नहीं मैं समझी ही नहीं। तू ज्यादा सवाल मत कर, जैसे मैं तेरे को बोलती है ना तो वैसे ही कर। पहले मेरे को ये बता कि वो भालू पांडे का वो मैसेजिंग डुप्लीकेट करने के लिए तेरे को क्या चाहिए? बस किसी तरह उसका ओटीपी मिल जाए, बाकी मैं संभालूंगी। बस इतनी सी चीज? समझ के मिल गया, तू फटाफट काम पे लग, ओटीपी मैं निकाल के देती है। धन्यवाद। अच्छा तो ये सब आपका किया धराबा? मोहब्बत और जंग में सब जायज बा। हमको तो पहले ही लगा था कि हमारे जीजा बहुत सज्जन आदमी है, ऐसा काम कर ही नहीं सकते। देखो भैया अब ऐसा है बुलबुल जी कि अब कहानी कुछ ऐसा होती है कि आप हमें वो मॉल वाला सीसीटीवी फुटेज वापस दे दें और बदले में हम आपको देंगे आपके साले साहब का पैसा और उसके साथ में आपका इज्जत ना। मतलब अगर दुनिया को पता चलेगा कि गोमती नगर के SHO इतने होनार और इज्जतदार आदमी लड़की की आवाज सुनते ही ऐसे बेवकूफ बन गया तो कैसा लगेगा? कैसे हैं बुलबुल जी? ये केस अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बात साइबर डिपार्टमेंट को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें लगने दो कि वही कर रहे हैं। जब तक किसी को पता चलेगा उससे पहले हम केस सॉल्व कर चुके होंगे। ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर भी सोच लीजिए। अभी अभी इतना फुटेज मत ले, दे दे फुटेज। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अबे अब चल, और कितनी बेइज्जती करवाएगा, मतलब आप हमको ऐसा कहेंगे ना अब तो सर। चलिए टाटा। देखा आप जिसे इतने नालायक बेहुदा बदतमीज लड़की पता नहीं तारीफ करी बेइज्जती, तारीफ कर रहे हैं ना हम। वक्त आ गया है अनुभव को सच बताना ही होगा। देखिए पुष्पा जी, सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के दिखाई दे रहे हैं उनका आप प्रिंट आउट निकलवाइए और संतोष को दिखाइए और ये कंफर्म कीजिए कि वही लड़के हैं जिसको वो लॉटरी के नाम पे जिसने फॉर्म भरवाया है, समझ गए? हो जाएगा ये काम, हाथारी नहीं कोई और करेगा। समझ गए। एक एक मिनट, कौन?
सॉरी संतु जी। बस बहुत हो गया। तेरी वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरे सामने तेरी इतनी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं जाती। अरे तू निठल्ला है लेकिन मेरा दोस्त, यार मैं क्या करूं? ये लड़कियों का ना प्रॉब्लम ही है, मिन्नतें करे तो एटीट्यूड दिखाती, एटीट्यूड दिखाए तो मिन्नतें करती है। तू भी ऐसा ही कुछ कर। और कितना मिन्नत करे, कितना मिन्नत कर? अबे एटीट्यूड दिखा अंगूर के छिलके, मर्द बन, मतलब तू मर्द है लेकिन तन के बात कर, जो भी होगा आर पार होगा, देखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। संतोष तुम्हें माफ कर देगी या ये क्या माफ नहीं करेगी? लेट्स सी। तो एटीट्यूड दिखाना है? हाँ, विजय भाव। हम यहाँ सॉरी बोलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना ड्यूटी करने आए हैं और हम दोनों को रिपोर्ट करना है। तो आप हमको हमारा ड्यूटी करने से आप कतई नहीं रोक सकती संतु जी, समझ रही है ना? तो हमको हमारा ड्यूटी करने दीजिए, और हमारा ड्यूटी ये है कि आप जरा ये तीनों लड़का लोग का तस्वीर पहचानिए, तो पहचानिए जरा जल्दी पहचानिए, किसी मासूम सी लड़की के भविष्य का और उसकी जिंदगी का सवाल है। हाँ चीते, ये वही लोग है। हाँ यही सब, इनका तो जिंदगी पर। कलीग हैं आपके हम संतु जी, आपके ही नए वाले क्वार्टर पर पहली बार आए हैं। चाय वो नहीं पिलाएगा? चाय पिलाइए हमको, जरा पीने का मन कर रहा है। ठीक है, चाय का पी रखा। सर संतु जी रहने दीजिए, थोड़ा एसिडिटी वगैरह का दिक्कत है हमको, कभी और चाय पी लेंगे। चीते। हाँ सॉरी चीते। इट्स ओके संतु जी, आप हमको माफ कर दी हमारे लिए बड़ा बात है, लेकिन जो ये दुष्ट लड़का आपके साथ इतना घटिया प्लान किया है ना, उसका जिंदगी अगर हम बर्बाद ना कर दी तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं, घर बहुत सुंदर आपका, बाय बाय। यस मारा का है तू हमको, मारा का एटीट्यूड की तरह कर ला। समझ गए, वेरी गुड। अरे अरे उठा लो ना फोन, कब से बज रहा है? अरे ये वो एड़ा साजन है, वो फालतू उसका फोन उठाए ना तो कोई गंदा सा डायलॉग मारेगा और मेरे दिमाग का भाजी पाव करेगा, मैं नहीं उठाएगी। पुष्पा जी कोई उन्नति, कोई प्रोग्रेस बताने लायक बात? नहीं, उर्मिला ने लगभग सारे मौज के चक्कर काटे, मगर संतु वाले जो लड़के है ना उनसे मिलते जुलते लड़के मिले ही नहीं। हाँ लेकिन एक मॉल था जिसमें हम उन लड़कों की फोटो जरूर वहां से निकाल पाए। हाँ और हमने उन लड़कों की प्रिंट आउट निकाल कर चीते और बिल्ले को उन हर जगह पे भेजा है जहाँ उन लड़कों की होने की संभावना थी, मगर अफसोस सब बेकार गया। हाँ होती है, अगर मैडम सर अभी यहाँ होती तो ये केस अभी तक सॉल्व हो चुका होता और जो मुजरिम है वो हमारे शिकंजे में होते, या तीन लड़कों को पकड़ने के लिए हमारे थाने के तोते उड़ चुके। वो सीसीटीवी जो मॉल का तुम फोटो की बात कर रही हो, तीन लड़कों, वो फोटो दिखाओ हमको, शायद उससे कुछ सुराग मिल सके। फोटो दिखाओ। हाँ हमारे पास। चलिए चलो जल्दी। ये केस उतना आसान है नहीं जितना लग रहा था, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए हमें कुछ करना होगा।